खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जो पूरे जिले में अपने पैर पसार चुका है, उसी को देखते हुए कमिश्नर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक भी रखी गई थी, जिसमें शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से कोरोना पर नियंत्रण किया जाए, साथ ही तहसील के पांचों थानों का बल भी और साथ में एसडीओपी सहित सारे अधिकारी उपस्थित थे। यह मीटिंग महू के वल्लभा गार्डन में ली गई। आज प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी बैठक रखी थी, क्योंकि सभी पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर्स बनाने, उनका क्रियान्वयन, जो कोरोना कर्फ्यू है उसको कारगर तरीके से धरातल पर उतारना, मेडिकल किट पहुंचाना और वैक्सीनेशन के लिए 100% लोगों को प्रेरित करना, इन सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए आज पूरी टोली की यहाँ पर बैठक थी। और मुझे विश्वास है कि हर काम का 100% क्रियान्वयन होगा और कोरोना जैसी महामारी से हम शीघ्र मुक्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या विशेषता है जी? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में यही करें कि पंचायत स्तर पर ही आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, वहाँ उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ी भी सर्दी खांसी बुखार प्रारंभिक स्थिति में ही यदि नियंत्रित हो जाए तो फिर वो कोरोना का भयावह रूप नहीं धारण करता। जो ग्रामीणों में कोविड संक्रमण के स्प्रेड को रोकना है उसके उद्देश्य से बैठक रखी गई थी। इसमें कंटेनमेंट क्षेत्र बनाना, कोविड केयर सेंटर हर पंचायत स्तर पर बनाना, जनता कर्फ्यू का गाँव पंचायत स्तर पर सख्ती से पालन कराना, नगर पंचायतों के साथ साथ या कंटेनमेंट एरिया के साथ साथ, और हर घर का सर्वे करके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी सिम्टम्स हैं तो उसको सिम्टम्स को तत्काल दवाई देना, जो मेडिकल टीम उन्होंने बनाई है। ये चार सब्जेक्ट्स पे सक्रियता से काम करने के लिए पंचायत की, महिला बाल विकास की, कृषि की, रेवेन्यू टीम, पुलिस की टीम, सबको निर्देशित किया गया है और सख्ती रखने का बोला गया है, क्योंकि जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो जाएगा तो गाँव में स्प्रेड इसका बहुत तेज़ी से रुकेगा। प्लस साथ में कंटेनमेंट एरिया बना के कोविड केयर सेंटर में संभावित मरीजों को तत्काल परिवार और मोहल्ले से अलग करके शिफ्ट करके और हर घर में दवाई बांट के, ये सब मेजर्स हैं जिससे कि अगर गंभीरता से सख्ती से कार्य हो जाए तो इसमें गांव का स्प्रेड अगर जो प्रारंभ हुआ है अभी तत्काल उसको रोका जा सकता है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।